भरतपुर में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए आयुर्वेद विभाग की ओर से काढ़ा अभियान चलाया गया ताकि लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जा सके। डॉक्टर चंद्र प्रकाश दीक्षित ने यह बताया कि तेज गर्मी में भी कोरोना वॉरियर्स अपनी सेवाएं लगातार दे रहे हैं और साथ ही कहा कि कोरोना महामारी और तेज गर्मी को देखते हुए अमृत धारा का निर्माण किया गया जिसमें अजवाइन भीमसेनी कपूर पीपरमेंट के संयुक्त मिश्रण को लोगों में बांटा जाएगा। इस दौरान डॉक्टर भूदेव शर्मा हरीश चौधरी उपनिदेशक डॉक्टर निरंजन सिंह आदि मौजूद रहे। कोरोना वायरस जैसी महामारी को लेकर के पूरे देश में जहां भय व्याप्त है भरतपुर में भी आम लोगों में भय और दहशत का माहौल अभी भी बना हुआ है क्योंकि रोज डेली कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या बढ़ रही है। आज भी 4 केस आए हैं, कल 6 केस आए हैं। अब भरतपुर जिले में आज 151 कोरोना पॉजिटिव संक्रमितों की संख्या यहाँ हो चुकी है। इससे बचाव के लिए विभिन्न प्रकार की दवाइयां और औषधियां भी यहाँ भरतपुर में की जा रही हैं। एलोपैथिक की तरफ से उपचार किया जा रहा है, वहीं इस मामले में आयुर्वेद विभाग की ओर से भी विशेष पहल की गई है। जिन्होंने इससे पहले आयुर्वेद का एक काढ़ा तैयार करके पिलाया गया था जिससे इन मरीजों की इस रोग से बचाव के लिए लोगों की इम्यूनिटी पावर बढ़ सके उसको लेकर के प्रयास किया गया था और काफी यहाँ सक्रिय रहा और काफी लोगों ने यूज भी किया और उसके काफी लाभदायक परिणाम भी देखने को यहाँ मिले। अब आज ये जानने में आया कि आयुर्वेद रसायन शाला में एक नई चीज तैयार की गई आयुर्वेद विभाग की ओर से, जैसे आयुर्वेद जो बटी है गोली के नाम पे तैयार की गई, गोली को लेने से इम्यूनिटी पावर बढ़ सकती है और इस गर्मी जो भीषण गर्मी का माहौल है उससे ये गोली काफी लाभदायक सिद्ध होगी। किस तरह की गोली तैयार की है, क्या इसका उद्देश्य है, इस बात को जानने के लिए हमारे साथ यहाँ आयुर्वेद विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर नंजन सिंह जी मौजूद हैं, आयुर्वेद रसायन शाला के प्रभारी डॉक्टर सुशील पाराशर जी यहाँ मौजूद हैं, वैद्य नोडल अधिकारी वैद्य चंद्रप्रकाश जीत साई संजीव तिवारी सहित अनेक वैद्य और अनेक स्टाफ हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि इसका किस तरह से इसको तैयार कर रहे हैं और किसके क्या लाभ होंगे और उसके किन लोगों के लिए उपयोग में लिया जाएगा। डॉक्टर नन्या सिंह जी उपनिदेशक बताएं। जैसा कि आपको बताया कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए आयुर्वेद विभाग द्वारा भी बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं जिसमें हमारे द्वारा पहले काढ़े का वितरण किया जा रहा है जो अभी भी क्वारंटाइन सेंटर्स पर और पॉजिटिव पेशेंटों पर भी जिसका प्रयोग किया जा रहा है। उसी में हमारे जो कोरोना वॉरियर्स लगे हुए हैं इस भीषण गर्मी को मौसम को देखते हुए एक विशेष प्रकार की औषधि हमारी रसायन शाला में हमारे द्वारा एक तैयार की गई है जिसका नाम है अमृत बटी। अमृत बटी में हमने जो अपनी आयुर्वेद की औषधि है अमृत धारा उसको हिसाब से एक अमृत बटी का निर्माण किया है जो एक पैकिंग में 10 दिन के लिए एक व्यक्ति को कोरोना प्रत्येक कोरोना वायरस के लिए जैसे काढ़ा वितरण किया गया था उसी हिसाब से ये गोली वितरित की जाएगी और उनको अब मौसमी बीमारियों से उल्टी दस्त हैजा या भीषण जो गर्मी की समस्या है उससे बचाने के लिए ये गोली तैयार की गई है। मैं डॉक्टर निरंजन सिंह उपनिदेशक आयुर्वेद विभाग। अमृत बट्टी जो गोली तैयार की गई है किस तरह से तैयार की गई है, किन किन चीजों का मिश्रण किया गया है, इस बात को रसायन शाला प्रभारी सुजीत पाराशर जी आप बताएं क्या मिलाया है, किस तरह से तैयार की गई है ये अमृत बट्टी गोली। ये अमृत धारा जो आपने पहले भी सुना होगा उल्टी दस्त हैजा में ये काम में आती थी, इसमें मुख्य रूप से 3 चीजों का प्रयोग किया जाता है जिसमें कपूर भीमसेनी साथ में अजवाइन सत और पेपरमेंट, ये तीनों चीज समान मात्रा में लेकर के मिलाई जाती हैं और मिलाने के बाद में ये जब अमृत धारा बन जाती है तो हमने शुगर कोटेड जो टेबलेट्स हैं उन टेबलेट्स के ऊपर हमने इनकी ड्रॉप्स में 15-15 ड्रॉप्स डाल करके और शीशियों के रूप में हम तैयार करके और सभी कोरोना वॉरियर्स जो हैं क्योंकि जो इस मौसम में करीबन 48 के करीब हमारे भरतपुर का टेम्परेचर चल रहा है जिसमें हमारे पुलिस वाले भाई हैं, हमारे मेडिकल स्टाफ हैं, गांव में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, आयुर्वेद के हमारे कर्मचारी बॉर्डर्स पर लगे हुए हैं, उन सबकी स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए और क्वारंटाइन सेंटर्स में जो अपनी ड्यूटी दे रहे हैं उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हमने ये टेबलेट्स तैयार किए हैं और अपन ये कोशिश कर रहे हैं कि ये छोटी छोटी शीशियाँ वहाँ पहुँचें जिससे मौसमी बीमारी उल्टी दस्त है जैसे उनका विशेष रूप से बचाव होता रहे। इसमें हमारे सहायक निदेशक संजीव तिवारी जी हैं, नोडल अधिकारी हमारे चंद्र प्रकाश दीक्षित हैं, हमारे चिकित्सक संघ के जिलाध्यक्ष हैं भगवान सिंह जी, उप निदेशक महोदय माननीय निरंजन सिंह जी, सबका पूर्ण रूप से सहयोग है और सबके सहयोग से रसायन शाला में हमें ये मेडिसिन यहाँ पर बनाई है जन सहयोग से और इसको हम सब जगह देने हमारे साथ नोडल अधिकारी और मौजूद हैं। दवाई का
कोरोना जो वॉरियर्स हैं या इसमें जो विशेष रक्षा करने में लगे हुए हैं, इसको महामारी से संघर्ष करने में जो योगदान दे रहे हैं, किस तरह से उनको बांटेंगे और उसका क्या उपयोग रहेगा? मैं आयुर्वेद विभाग से डॉक्टर चंद्रकांत जी से हमारे आयुर्वेद विभाग के द्वारा सभी अधिकारियों के मार्गदर्शन में ये जो अमृत धारा भर्ती बनाई है, इसका जो कोरोना वायरस के रूप में जो सेवाएं दे रहे हैं अपने चौराहों पे, हॉस्पिटल्स में, तमाम तरह के कार्यालयों में जो लगे हुए हैं, वो उल्टी दस्त, तमाम जो गर्मी से होने वाली जो परेशानी है वो उनसे बचे रहें, उसकी सुरक्षा के लिए हमने पूरी तैयार की, जिसको निःशुल्क वितरण किया जाएगा। लगभग 5,000 के करीब लोगों को हम पहुँचाएंगे। अभी फिलहाल हमने 1,000 से शुरुआत की है।